लोग तो वसूली पहले देते थे सपा के पार्टी सपा जो थी तो तब देते थे, उसके बाद यहाँ पे कोई वसूली नहीं चालू है। तो आजम खान थे तो कुछ नहीं हुआ, तो आएगा योगी आएगा। अच्छा काम हो रहा है, अच्छा योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, चेंज होगी शायद मुझे लगता है। पहले होती थी मगर अब जब से मोदी जोगी आए जब से यहाँ साफ खत्म है गुंडागर्दी। बहुत विकास हुआ बीजेपी का, योगी जी बहुत काम किए हैं। हम इस बार योगी नहीं राम के नाम पे वोट देंगे। सरकार काम कर रही है कि देखो दुनिया का मेला, विकास अच्छा है मगर रोजगार में वही कमियां हैं। सफाई किया, सफाई के मामले में बढ़िया है, सफाई के मामले में बढ़िया, ठीक है, ठीक कर रही, बहुत अच्छा है। इस साल पहले से बहुत सुविधाएं हो गई, लूट घसूट भी नहीं है और बढ़िया स्वच्छ का वातावरण है, स्वच्छ है गंगा जमुना, बढ़िया आएंगे दोबारा से, वो भी दोबारा आएंगे बिल्कुल, हमारी तो इच्छा यही है। सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा विकास है, मोदी जी के हम समर्थक हैं। अच्छा। बस मेन बात अभी बिल्कुल सही है, हम लोगों को भी ड्यूटी करने में आसानी हो रही है, न कहीं दंगे न कोई झगड़े फसाद नहीं हो रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। हाँ, प्रयागराज में विकास उकास योगी जी ने सही किया है, योगी जी अच्छा काम किया है, सब कुछ है, लेकिन गरीब को मजदूर को पूरी रोजी रोटी मारी गई है। इस वक्त मैं प्रयागराज के संगम घाट पर हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं नज़ारा कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए प्रयागराज में पांचवें चरण में मतदान होना है, उत्तर प्रदेश इलेक्शन है, तो हम लोग प्रयागराज में हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। मतदान से पहले क्या सोच है लोगों की, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे जाके, ये सभी उनसे डिस्कस करेंगे। चलिए मेरे साथ, क्या नाम है आपका? शीतला प्रसाद पटेल। अच्छा, क्या कहेंगे प्रयागराज में कैसा काम हो रहा है, सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार इस साल में बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है? जी जी जी। अच्छा, यहाँ पर जो कुंभ मेला लगता है उसके बारे में बताइए, कुछ पहले कैसे होता था और अभी कैसा है? नहीं, थोड़ा परिवर्तन हुआ है मैम। परिवर्तन हुआ है? जी जी जी, इस साल में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। बेहतर हुआ है कि कम बेहतर है? कम बेहतर है इस साल में। इस साल में कम बेहतर? हाँ। अच्छा, कल से मतदान है यहाँ पर, कल चुनाव होगा, क्या कहेंगे कौन पार्टी जीतनी चाहिए, कौन अच्छा पार्टी के बारे में विकास तो अभी देखो क्या है, अभी हर लोग अपनी अपनी सोच में है, हाँ? जो जिसको सोच रहा है वे खुल के कोई मतदान के बारे में सोच नहीं रहा है। हाँ, खुल के बारे में कौन किसके दिल में क्या है क्या नहीं है। हाँ, खुल के नहीं बता रहा, खुल के नहीं बता रहा। आपकी नज़र में अच्छा काम कौन कर रहा है, पिछली सरकार में ज्यादा विकास था प्रयागराज में या फिर इस सरकार में ज्यादा विकास है? नहीं, पिछली सरकार में ज्यादा था, लेकिन इस साल में थोड़ा कुछ बदलाव हुआ है। बदलाव का मतलब यह है कि जैसे कुछ लोग परेशान हैं, जानवरों से परेशान हैं। हाँ, तो मैं योगी जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जानवर के लिए थोड़ा कोई उपाय सोचें या कोई कोई प्रक्रिया अपनाएं। अच्छा, जानवरों से परेशान है जी, जी, बाकी जी। और कुछ योगी आदित्यनाथ? हाँ हाँ, सारा कुछ सही है, सारा कुछ विकास भी अच्छा हुआ है, रोड भी अच्छी हुई है, हाँ, इलाहाबाद में अच्छा सब कुछ विकास अच्छा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर माफिया राज पर क्या कहेंगे, गुंडा राज या माफिया राज है अभी? नहीं, गुंडा राज तो खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है? जी जी जी। अब कोई आके परेशान तो नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, कोई परेशान नहीं। वसूली वगैरह? हम लोग तो वसूली पहले देते थे। हाँ, सपा के पार्टी सपा जो थी तो तब देते थे, उसके बाद यहाँ पे कोई वसूली नहीं चालू है। तो दो पंचवर्षीय जब से मोदी जी आए तब से कोई यहाँ पे वसूली नहीं चालू है। अच्छा, तब से ये सब खत्म हुआ? तब से ये खत्म हुआ। खुश हैं आप योगी सरकार? जी 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 जी, मैं खुश हूँ यहाँ से। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? विक्रम शाह। आप कहाँ से हैं? ये नाविक संघ का उपाध्यक्ष हूँ, प्रयागराज से। ठीक है, बताइए प्रयागराज में कितना विकास किया योगी आदित्यनाथ? बहुत ज्यादा, बहुत विकास हुआ। क्या क्या कार्य किए हैं? गुंडागर्दी खत्म हो गया है और आप खुद देखें विकास इतना हुआ, जो कुंभ अगले बार करा दिए मोदी योगी जी, इस तरह कुंभ कोई नहीं करा सकता। जैसा कुंभ इन्होंने कराया ऐसा किसी ने नहीं कराया? किसी नहीं कराया, आज तक नहीं कराया। अच्छा। आप खुद देखते हैं विकास बहुत हुआ है। हाँ। यहाँ की सड़क चौड़ी हो गई है, हर चीज है, वातावरण बदल। जब सपा बसपा थी तब कुंभ पे ध्यान दिया गया था इतना? कुछ नहीं कहा मैं, आजम खान थे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो आएगा योगी आएगा, योगी आएगा और कोई नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम कर दिया, गुंडागर्दी कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, बुलडोजर बाबा है, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत अच्छा कर रहे हैं ये सब, ऐसे सब दुनिया का जमीन कब्जा कर लिया, पैसा लूट लिया। हाँ। तो बाबा ने बुलडोजर चलाया, अच्छा किया, अच्छा किया। हाँ, बहुत अच्छा। कौन करता था जमीनों पे कब्जा, माफिया राज किसका हुआ करता था? अरे यहाँ के बड़े बड़े माफिया आप जानते हैं, वैसे से लोग थे कि सबका जमीन कब्जा कर लेते थे, जब से बाबा जी आए सब सारे गुंडे से बिल में घुस गए, भाग गए। आपको क्या लगता है किसी पार्टी का हाथ रहा होगा उनके ऊपर? हाँ, पिछली सरकार में जी थी उन्हीं का हाथ था, उनका हाथ था। और अभी अभी की जो सरकार है, जनता बहुत चैन से सो रही है, इसलिए हर आदमी चाहता है कि योगी की सरकार आए, बहन बिटिया सुरक्षित हैं। हाँ, बहन बिटिया सुरक्षित हैं। हाँ, अच्छा, तो चाहते हैं कि फिर से योगी आदित्यनाथ? योगी जी फिर से योगी। ठीक है।
आप लोग यहीं से हैं? प्रयागराज से ही? नहीं, कहाँ से हैं? महोबा। महोबा, अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में कैसा काम हो रहा है? अच्छा काम हो रहा है, अच्छा योगी है? जी अच्छा काम कर रहे हैं। पिछली सरकारों में विकास नहीं हुआ था? पिछली सरकार का इतना याद नहीं, क्योंकि हम पहले एमपी में बने रहे, उसका जब यूपी में आए तो योगी सरकार देख रहे हैं, योगी सरकार अच्छा काम हो रहा है। और ठीक है, आपको लगता है विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखो चेंज होगी शायद, मुझे लगता है चेंज होगी सरकार। चलिए ठीक है। भैया जी क्या नाम है? क्या नाम आपका? अवधेश। कहाँ से आप? प्रयागराज से ही हैं? नहीं, कहाँ से? हमीरपुर जिला। हमीरपुर से हैं, अच्छा। प्रयागराज में आप अभी ये काम कर रहे हैं, कैसा यहाँ पर विकास हो रहा है, कुछ तो पता होगा यहाँ के बारे में? विकास सही हो रहा है। सही हो रहा है, अच्छा। वसूली वगैरह आप तो नहीं करने आता कोई? नहीं। गुंडागर्दी खत्म हुई? हाँ यहाँ खत्म हो गई। पहले होती थी? पहले होती थी, मगर अब जब से मोदी जोगी आए सबसे यहाँ साफ खत्म है गुंडागर्दी, जब से कम है। हाँ। अच्छा, लगता है कि फिर से सरकार बनेगी मोदी योगी की? हाँ बनेगी। बनेगी? हाँ। आप चाहते हैं? चलिए भैया, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? राहुल। आप प्रयागराज से ही हैं? नहीं, कहाँ से? यूपी से। यूपी से ही है? साथ में है। साथ में है। कैसा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है, योगी ने विकास किया? योगी जी ने हाँ किया है। ठीक है, आपका क्या नाम है भैया? आदित्य निषाद। आदित्य जी, प्रयागराज में कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ। क्या क्या हुआ गिनवा दीजिए। क्या बताएं आपको, मतलब हर एक सुविधा मिल रही है। हाँ। रहने की, मतलब जहाँ चलते थे गाली मार मिलती थी, आज सुरक्षित चल रहे हैं। हाँ। कहीं दिक्कत नहीं आ रही हमें। आज जहाँ जा रहे हैं, हमें एक निषाद के नाम पर जाना जा रहा है। कोई भी बाहरी आदमी आता है, अच्छे से बात कर रहा है। अच्छा, निषाद हैं आप? हाँ निषाद हैं। पहले क्या होता था निषाद? पहले मतलब बहुत पुलिस वाले भी हर जगह परेशान होते थे। अच्छा। नाव चलने भी नहीं देते थे। हाँ। आज अच्छे से नाव भी चल रही, कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है। भेदभाव होता था क्या? हाँ पहले भेदभाव, मतलब नाव में मत जाओ, पैदल चले जाओ। अच्छा। हाँ अब अच्छे से नाव वाले नहला रहे हैं, बढ़िया से कमा खा रहे हैं। पिछली सरकारों में होता था ये? पिछली सरकार में बहुत होते, जैसे अखिलेश यादव थे। अखिलेश सरकार में? हाँ बहुत होता था, मतलब नाव बंद कर देता था समय पे। तो क्या आपसे पूछा जाता था कौन जाति के हो? नहीं, ये नहीं पूछा जाता कौन जाति, सीधा नाव बंद कर दिया जाता था। नाव बंद? उनको पता था कि आप निषाद हैं? हाँ, हम लोग निषाद, यहाँ बहुत से नाव निषाद में हैं। हाँ, हाँ, तो उनको ये नहीं पता, मतलब यहाँ जानते थे कि लोग नाव चलाते हैं। हाँ। तो ये रास्ता ही सब कुछ बंद हो जाता था, नाव नहीं चल पाती थी। अच्छा, तो इतना जातिवादी होता था यहाँ? तो ये अखिलेश सरकार में ज्यादा हुआ है? हाँ अखिलेश सरकार में ज्यादा हुआ था, अब ये जो भाजपा है इसमें बहुत अच्छा हुआ। भाजपा में तो ऐसा नहीं होता कि निषाद हो तो नाव नहीं चलाने देंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, रास्ता खुला था और नाव चली पूरा बराबर। चल रही है बराबर? हाँ चल रही है। अच्छा, अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। चलता रहेगा? हाँ। अच्छा, किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ। आपको सुविधाएं मिल रही हैं बीजेपी? बहुत मैम जी, बहुत बहुत मिल रही हैं। अच्छा, प्रयागराज में पहले बताते थे माफिया राज, गुंडा राज हुआ करता था, था क्या ऐसा पहले? अब हमें पता नहीं, अब तो भाई मेरी 22 साल उम्र है, हमें नहीं पता। अभी हमें यहाँ 4-5 साल हुआ जब से योगी सरकार, हमें नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा था। अच्छा, जब से योगी सरकार है तब से आप? हाँ मतलब एक दो साल बाकी था जो मतलब चुनाव होने में। हाँ। तभी हम आते, मतलब देखे थे कि यहाँ नाव बंद करा दिया जाता था। अच्छा। हाँ, तो जो मैं अभी 5 साल हुआ जो योगी राज में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। घाटों की सुधार है? घाटों में? हाँ बहुत बहुत सफाई, साफ सुथरा। हाँ। गंगा जी में साफ सुथरा, घाट पे साफ सुथरा ही है, हर जगह साफ है। तो लगता है इस बार प्रयागराज से फिर से जीते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपका क्या नाम है भैया? अच्छा, कहाँ से हैं? जी यहीं से हैं, प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं, बता दीजिए योगी जी कितना विकास किए हैं? योगी जी बहुत काम किए हैं। काम किए हैं जी। क्या क्या आपको उनके विकास कार्य पसंद आए? सब, हर कार्य उनके सही थे। अच्छा, हर कार्य हमको सही लगा। उनको भगवान राम को फिर लाए। हाँ। कोई सरकार ने नहीं लाया था, अब योगी जी ने सरकार के लाए, हम लोग इस बार योगी नहीं राम के नाम पे वोट देंगे। अच्छा, राम के नाम पे वोट दे रहे जी। चलिए, तो आपको लगता है कि योगी जी आएंगे? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए अखिलेश यादव की सरकार में क्या होता था? अरे तो पहले अखिलेश यादव की सरकार में आप आती थी तो यहाँ पे खुले में लोग शौच कर देते थे। अच्छा। अब मोदी जी की सरकार में ये है कि हर जगह टॉयलेट वगैरह बना दिया गया। हाँ। तो घाटों पे ध्यान नहीं दिया जाता था? घाटों पे कोई ध्यान दिया नहीं जाता, तीर्थ स्थलों को गंदा किया जाता, गंदा किया जाता। इसीलिए अब जब से वो आए तब से सब पॉलीथीन वगैरह भी वो कर दिए थोड़ा बहुत। अब सब चीज़ और भी 5 साल लग गए तो बहुत विकास कर देंगे। और विकास कर देंगे जी। अच्छा, और अखिलेश यादव सरकार में क्या होता था जो इस सरकार में सुधार हुआ है? उनके सरकार में गुंडा राज चलता था, इनके सरकार में ऐसा कोई नहीं है, बस यही राज है। माफिया राज, गुंडा राज खत्म हुआ? जी खत्म हो गया। अच्छा, चलिए, आपको क्या लगता है सिर्फ राम के नाम पर ही वोट मिलेगा या फिर और भी विकास किया? और बहुत विकास किया उन्होंने, कार्य किया, सब कार्य देख रहे हैं, सभी तो वोट देंगे। लॉकडाउन में सबको घर में राशन पहुँचाया उन्होंने। अच्छा, आपको मिला था? जी हमको भी मिलता था लेकिन लोग नहीं जाते थे, हमारे खुदे संपन्न है सब। अच्छा, मिलता अच्छा, है सुविधाएं मतलब आप तक पहुंच पा रही थी जी। तो खुश हैं आप योगी सरकार से? बहुत खुश हैं।
फिर से बनेगी सरकार? फिर से बनेगी, फिर से हम उन्हीं को वोट देंगे और कहेंगे लोगों से उन्हीं को दीजिए। अच्छा, आप और लोगों को भी कहेंगे? हाँ, सबको जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। बाबा जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राज बहादुर निषाद। कहाँ से हैं आप? अब हम इलाहाबाद में हैं, प्रयागराज में। प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार काम कर रही है कि देखो दुनिया का मेला। हाँ, दुनिया का मेला। हाँ, और क्या है? आपके लिए विकास नहीं हुआ, सुविधाएं नहीं मिली आपके लिए? आप सब है, सब है। पहले से ज्यादा काम हो रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो सरकार अच्छी नहीं लग रही है आपको? नहीं। चलिए ठीक है। भैया जी क्या नाम है आपका? शिव कुमार गुप्ता मैम। अच्छा, आप प्रयागराज से ही हैं? यस मैम। प्रयागराज में विकास कैसा हो रहा है मैम? सही है। सही है? कुछ गड़बड़ है तो बता दीजिए। नहीं मैम, विकास अच्छा है मगर रोजगार में वही कमियां हैं। रोजगार में कमी है? चलिए, एक तो नुक्स है मतलब। हाँ, रोजगार अगर अच्छे से होते तो और अच्छी सरकार बनती। और अच्छी बनती। आपको क्या लगता है, फिर से जीतेंगे योगी? मैम जीतेंगे, अब देखें, देखा जाए। अब आप क्या चाहते हैं? मैम सरकार चाहते हैं? बीजेपी फिर से बनेगी? बीजेपी फिर से बने। रोजगार नहीं है फिर भी बीजेपी? मैम रोजगार ये इसके लिए तो सब आदमी कंफ्यूज हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं इसमें आप कंफ्यूज हैं? यस मैम। लेकिन फिर भी चाहते हैं बीजेपी? बीजेपी मतलब क्यों चाहते हैं? राज माफिया राज ये सब आदमी जो है चोट हमारी ये सब आदमी दूर है, अच्छा से आदमी जी खा रहा है अपना। अच्छा, तो मतलब माफिया राज गुंडा राज खत्म है, आराम से आप जी पा रहे हैं? हाँ, आराम से मैम। इससे पहले नहीं होता था? नहीं मैम, इससे पहले नहीं। क्या होता था उस सरकार में? इससे मैं पहले मैम मतलब गुंडा राज माफिया राज ज्यादा था। हाँ। इस समय तो नहीं है, इस तरीके से घूम नहीं पाते थे। हाँ मैम, अभी सही है। अभी सही है। चलिए, लगता है फिर से सरकार बनेगी? देखिए मैम, लगता तो है। लगता तो है, चलिए ठीक है। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जूस पीने जा रहे हैं। नाम बताइए। नाम जूस तो आप पी लीजिएगा, मना नहीं करूंगी। क्या नाम है? बच्चा निषाद। कहाँ से हैं? यही प्रयागराज। प्रयागराज में कैसा काम हो रहा है? काम तो पहले की तरह अब नहीं हो रहा, मेला वाला उस तरह लग नहीं रहा है। अभी तो कोविड था ना, 2 साल से कोरोना है और अभी भी गाइडलाइन चल रही है, तो इतनी भीड़ नहीं लगा सकते? नहीं, भीड़ नहीं लगी। और रोजगारों के लिए धंधे पानी भी उस तरह नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। जब यात्री नहीं आएंगे तो धंधा पानी। यात्री कोरोना की वजह से नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हैं। है ना, सरकार की बात करिए, सरकार ने कैसा विकास किया प्रयागराज में, पूरे प्रयागराज की अगर बात? ये तो प्रयागराज में सफाई के लिए मामले में बहुत सही थे। नहीं, मेले में तो बहुत गंदगी हो जाती थी। अच्छा, सफाई है अभी? बहुत सफाई है। समाजवादी पार्टी में कैसा होता था कुंभ मेला? उसमें तो गंदगी बहुत आ जाती थी। गंदगी होती थी? अच्छा, और पूरे प्रयागराज में विकास हुआ था उस समय? नहीं नहीं, उस समय योगी ने किया विकास? हाँ किया, सफाई किया। सफाई के मामले में बढ़िया है, सफाई के मामले में बढ़िया। चाहते हैं फिर से बने योगी सरकार? अब भगवान देखो, उसकी लीला होगा तो बन जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, भगवान की कृपा से होता है। ठीक है, क्या नाम है? कला भाई। कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से हैं? हाँ। अच्छा, प्रयागराज में सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक है, ठीक कर रही है। ठीक कर रही है? हाँ। आप जब यहाँ पर आते थे पहले में और अब में कितना अंतर हुआ? मत को अंतर, बहुत अंतर। सफाई वगैरह देखने को मिल रही है क्या? गंदगी है अभी भी? नहीं नहीं है गंदगी, नहीं है, साफ है। अब घाट साफ है? घाट घाट साफ है। हाँ। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं प्रयागराज में? अच्छा कर रहा है। अच्छा आप बता रहे हैं? आप अपना नाम बता दीजिए। मैं बहुत अच्छा है इस साल। अच्छा है इस साल? इस साल बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा हरनाम सिंह। अच्छा, आप इनको बता रहे थे कि अच्छा हुआ सब, आप बताइए कितना अच्छा हुआ? नहीं बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा है। पहले से बहुत अच्छा? बहुत अच्छा है। बहुत खुश नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस सरकार में कुछ अच्छा हुआ आपके लिए? अच्छा हुआ। हुआ? हाँ हुआ। अखिलेश यादव कैसा काम कर रहे थे? नहीं नहीं, उनका नहीं मालूम। तो जो अभी सरकार चल रही है योगी जी की, सही चल रही है। योगी जी की सही चल, सही चल रही है। फिर से लगता है फिर से सरकार बनेगी कि नहीं? बनेगी बनेगी बनेगी, योगी जी की बनेगी। चलिए, आपका नाम बता दीजिए। मैं रामकृष्ण रघुवंशी, गुना मध्य, अशोकनगर मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से? हाँ, डूंगासरा गाँव है हमारा, नई सराय के पास। घूमने आए हैं? हाँ नहीं, यहाँ विसर्जन करने आए थे माता जी की बस्ती। ठीक है। हाँ, तो पहले से बहुत सुविधाएं हो गई। हाँ। लूट घसूट भी नहीं है और बढ़िया स्वच्छ का वातावरण है। हाँ। स्वच्छ है गंगा जमुना। हाँ। और वैसी कोई समस्या नहीं है, मतलब तो बहुत सुधार हुआ है। पहले सुधार हुआ है। हाँ। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? योगी जी बहुत बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं और बढ़िया आएंगे दोबारा से। वो भी दोबारा आएंगे? बिल्कुल, हमारी तो इच्छा यही है वो दोबारा। अखिलेश यादव और योगी जी को कंपेयर करूँ तो किसको आप सीएम ज्यादा बेहतर मानते हैं, अच्छा सीएम? योगी जी को। योगी जी को? अखिलेश जी को नहीं? नहीं, वो जातिवाद पे महत्व दे रहे हैं योगी, वो अखिलेश जी जातिवाद पे महत्व देते हैं।
चलिए, आपको लगा कभी हुआ उनकी पार्टी में ऐसा कि जातिवाद हो रहा है या धर्म के नाम हो रहा है? अभी भी हो रहा है, वो तो अभी भी वो यादव बात फैला रहे हैं, अभी भी ऐसे कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से हैं? अच्छा, अम्मा जी कैसा है घाट? साफ सुथरा है? नहीं है? सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बहुत बढ़िया। बढ़िया है? बढ़िया। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम। अखिलेश ने कैसा किया था? अखिलेश यादव ने? अखिलेश ने अच्छा नहीं किया था। नहीं किया था? अभी सुविधाएं मिल रही हैं? सब सुविधा मिल रही है। मिल रही है सब सुविधा? लगता है फिर से प्रयागराज में सरकार बनेगी? बनेगी 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 बनेगी। चलिए ठीक है। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम गुप्ता जी। गुप्ता जी कहाँ से हैं? हम बनारस के आसपास के हैं। बनारस के आसपास के हैं? प्रयागराज में आप अभी हैं, प्रयागराज में कितना विकास हो रहा है? बहुत अच्छा विकास है, मोदी जी के हम समर्थक हैं। बस बस मेन बात मोदी जी के समर्थक है हम हमेशा, और सबसे यही कहते हैं, लेकिन बढ़िया वोटिंग होगा इधर मोदी जी का। अच्छा, विकास बताइए मुझे, काम कितना हुआ उत्तर? काम तो बहुत है उत्तर प्रदेश में, तमाम काम हुआ। हाँ, क्या क्या? हर चीज काम हुआ, लाइन बना, सड़क बना, गरीबों को मिला, माने बहुत विकास। हाँ, हम उनके पिछली सरकारों में नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, पुल बना वगैरह क्या क्या नहीं बना भाई। हाँ, बहुत अच्छी सरकार हमारी है, हम तो लोगों से कहते हैं वोटिंग भी बढ़िया होगी। आप निश्चित है? ठीक है। चाहते हैं कि फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी आनी चाहिए या फिर चेंज चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव क्यों? बदलाव नहीं। बहुत अच्छा, लोग कहते हैं, हम ही नहीं। हाँ, और भाई लोग कहते हैं नहीं, सबसे बढ़िया सरकार बीजेपी की। अच्छा, अखिलेश कैसा काम कर रहे थे? अरे भाई हमें नहीं जमा, देखिए हम पहले से ही जनसंघ के हैं। अच्छा, जनसंघ के हैं? हाँ, वही माने यही इन्हीं के हैं। ठीक है, ठीक हम बनिए और अच्छे हैं। माता जी आप भी बता दीजिए कुछ। वो जो भाषा उन्होंने ही बताई है। अच्छा, वही वही जो इन्होंने बोला? हाँ, नहीं सब अच्छा। चलिए ठीक है। मेरा नाम प्रतीक राय है। आप कहाँ से हैं? मैं मिर्जापुर से हूँ। मिर्जापुर जी। अच्छा, प्रयागराज में क्या करते हैं आप? प्रयागराज में हम जल पुलिस में हैं इस समय। अच्छा, पुलिस में हैं आप। क्या कहेंगे सरकार पुलिस के लिए और बाकी जनता के लिए, कैसी है ये बीजेपी सरकार? सरकार तो सही चल रही है। सही चल रही है जी। अच्छा, पिछली सरकारों में पुलिस के क्या हालात हुआ करते थे? क्योंकि हमने काफी अफवाह भी सुनी है, चाहे वो अफवाह हो या असलियत हो, आपको पता होगा अभी कैसे हालात हैं। अभी बिल्कुल सही है, हम लोगों को भी ड्यूटी करने में आसानी हो रही है, न कहीं दंगे न कोई झगड़े फसाद नहीं हो रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। पिछली सरकारों में होता था दंगा वगैरह, गुंडाई हमने बहुत सुना, माफिया राज, गुंडा राज काफी होता है। ये तो हम खुले तौर पे नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमारी ड्यूटियाँ उस समय ज्यादा लगती थी। ज्यादा लगती थी? हाँ, परेशानी ज्यादा थी उस समय। जी जी। अभी आप खुश हैं सरकार में? जी बिल्कुल खुश हैं हम। बस सरकारों से हम यही अपील करेंगे, चाहे माननीय योगी जी की सरकार हो चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, मतलब हम कर्मचारियों को भी ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, ये भी एक बड़ा मुद्दा। जी जी जी। हाँ, प्रयागराज में विकास उकास योगी जी ने सही किया है। सही किया है, मगर यही बात, बच्चों मजदूरी करके पढ़ाई किए हैं, आईटीआई किए हैं, उनको कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं, न कोई दे रहे हैं कुछ। अच्छा, नौकरियाँ नहीं है? हाँ, नौकरियाँ नहीं। बच्ची लाल निषाद। अच्छा, तो विकास क्या हो रहा है? विकास तो अच्छा है, खैर सब अच्छा। क्या है? अरे ये रोड है, सड़क है। हाँ। गैस है। हाँ। और गरीबियों को गल्ला है। हाँ। ये सब तो विकास का सब चीज अच्छा बना हुआ है। तो ये सब पिछली सरकार ने नहीं किया था, अखिलेश ने नहीं किया ये सब? नहीं, गल्ला उल्ला कहाँ मिल रहा था पहले? नहीं मिल रहा था? नहीं नहीं, पहले नहीं मिल रहा था। तो अखिलेश यादव से बेहतर काम कर रहे हैं योगी जी या कम बेहतर कर रहे हैं? बेहतर कर रहे हैं, अखिलेश से बेहतर कर रहे हैं। चलिए, चाहते हैं फिर से योगी आने चाहिए या नहीं? हाँ हाँ, चाहते हैं। चाहते हैं, ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? सोनू निषाद। आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं। अच्छा, प्रयागराज से ही हैं? अच्छा सर, ये बता दीजिए, जैसे मैंने अभी एक भैया से बात की थी, निषाद थे, वो भी कह रहे थे बहुत ज्यादा जातिवाद होता था अखिलेश सरकार में, नाव नहीं चलाने देते थे निषाद नाम के लोगों को, ऐसा था क्या? नाव निषाद में उनके अखिलेश के जमाने में नाव बहुत चलती थी। हाँ। बालू खंगन भी हो रहा था, बालू भी चलती थी और गरीब के ऊपर खाते थे। हाँ। सब लोग कमाते खाते अच्छे थे, जब से आ गए रोजी रोटी थोड़ा कम हो गया है। कम हो गया है? उस वक्त अच्छा था सर? उस समय अच्छा था। इस बार किसकी सरकार चाह रहे? सरकार भले ही आए, मोदी जी योगी जी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी जी आए, अच्छा काम किया है, सब कुछ है, लेकिन गरीब को मजदूर को पूरी रोजी रोटी मारी गई है। अच्छा अच्छा। हाँ, कोरोना काल में यहाँ पर फर्क पड़ा है काफी। हाँ, कोरोना काल में फर्क पड़ा है, क्योंकि रोजी रोटी बालू नाव घाट नाव कम चला रहे हैं लोग। कम चला रहे हैं? हाँ, कम। टूरिस्ट नहीं आ रहे होंगे क्योंकि कोरोना है, तो इसलिए नहीं आ रहे होंगे, उसके लिए नहीं आ पा रहे हैं, इसकी वजह से नाव। इसमें किसका दोष है? क्योंकि कोरोना तो एक बहुत बड़ी महामारी है, हमारा देश उससे जूझ रहा है अभी भी, किसका दोष मानते हैं? अब किसका दोष मानेगा कोई? किसका दोष? सरकार का दोष थोड़ी है? सरकार का दोष नहीं है ये, कोरोना का, कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में कोई अपने आप को पीड़ित नहीं कर सकता यहाँ पे आने को। बिल्कुल।
ये अपने आप की सोच है कि कोरोना काल के। अच्छा, योगी सरकार वापस क्यों चाहते हैं, क्या उन्होंने विकास कार्य किए जो आपको पसंद है? विकास क्या अच्छा किया, गुंडा बदमाश यहाँ नहीं रहते, सब कुछ अच्छा किया, गुंडा बदमाश चले गए यहाँ से, जेल भेज दिया गया, उसकी वजह से गुंडा बदमाश नहीं है, गुंडा बदमाश नहीं है, उससे आपको निजात मिला। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर संगम घाट पर खड़े होकर मैंने तमाम लोगों से बात की है जो कि प्रयागराज से ही है, यहाँ पर जो काम भी करते हैं और आम जनता है, उनसे मैंने जा कर बात की और जाना कि प्रयागराज में पहले के हिसाब से कितना बदलाव आया है, कितना विकास कार्य हुआ है और गुंडागर्दी अभी भी है या फिर खत्म हुई है। सभी लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है तब से प्रयागराज में माफिया राज, गुंडा राज तो खत्म हुआ ही है, साथ में इन्हें विकास भी मिला है, सुविधाएँ भी मिली हैं, अखिलेश राज में जो नहीं मिल पा रहा था वो योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है। देखिए, कल यहाँ पर मतदान है और मतदान के चलते ही मैंने यहाँ पर लोगों से बातचीत की है और जाना है कि क्या रुझान है, क्या मुद्दे चल रहे हैं इनके दिमाग में और किसकी सरकार ये इस बार चाहते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।